बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र में विपक्ष के शिक्षकों ने नियोजन में हो रही देरी को लेकर जमकर हंगामा किया, जिस पर राज्य के शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि नवंबर तक नए शिक्षकों की बहाली कर ली जाएगी। शिक्षा की कई योजनाएं और कई स्कूल बनाने के लिए सरकार तेज गति से काम कर रही है। देखिए, ये बात तो स्पष्ट है कि जितने भारी संख्या में हम लोग उत्क्रमित कर रहे हैं, हाई स्कूल बना रहे हैं, प्राथमिक से मध्य विद्यालय बना रहे हैं, तो ये जो हो रहा है तो शिक्षकों की कमी तो है, लेकिन उसको हम लोग किसी न किसी तरह से एडजस्ट भी कर देते हैं कि क्लास बाधित नहीं हो और पढ़ाई भी बाधित नहीं हो। और फिर अभी हम लोग एक नई चीज़ करने जा रहे हैं, उन्नयन बांका करके एक नई योजना हमारी है स्मार्ट क्लास का, उसके हम लोग बहुत जल्द उसको आरंभ करने जा रहे हैं सभी विद्यालयों में। वहाँ जाके हम लोगों ने देखा था, बहुत अच्छा है, और कंप्यूटर के माध्यम से एक टीचर जो है पढ़ा रहा है बहुत बढ़िया सा, और सब लड़के सब उससे प्रभावित होते हैं। ये हुई। और दूसरी बात ये कि भारी संख्या में हम लोग नियोजन की कार्रवाई करने जा रहे हैं, उसका शेड्यूल जारी हो गया, नवंबर तक हमको लगता है कि हो जाएगा। वहीं विपक्ष ने शिक्षा मंत्री से सवाल पूछा है कि वो जवाब दे कि स्कूल के लिए जमीन मिलने के बाद भी स्कूल बनाने के लिए टेंडर अभी तक सरकार ने क्यों नहीं निकाला गया है, न ही स्कूलों में सरकारी किताबें अभी तक उपलब्ध कराई गई हैं। भाई वो भी सही नहीं है। आप जाइए स्कूल में, आप पता लगाइए और हर साल का आंकड़ा लीजिए। 10 साल से इस सरकार का यही देख रहे हैं, कभी पाठ पुस्तक निगम तो कभी फलाना फलाना, कभी भी समय पर पुस्तक न उपलब्ध कराई गई। तो अब कह रहे हैं कि पैसा भेज रहे हैं, तो पैसा खाता में भेजने में आपको 3 महीना लग गया, 5 महीना लग जाएगा। हालांकि शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 70% छात्रों को किताब दे दी गई है और जो भी शिक्षा नीति के तहत काम अधूरा है वह जल्द ही पूरा किया जाएगा। पंजाब के सी टीवी के लिए पटना से संजीव की रिपोर्ट।